Hey guys, assalamu alaikum, merhaba, khanelema, hosh galdanis. And इस टाइम पे मैं जा रही हूँ फ्राइडे सेल में, जिसका एक बहुत शोर होता है. एंड मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके का फ्राइडे सेल होता है. सबसे पहली बात तो यहाँ पे सुबह के अभी तकरीबन 9:30 हो रहे हैं. अरीशा बाबा के साथ अपने सो रही है, सो मैंने प्लान किया है कि मैं जाके जल्दी से जो है कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो मैं वो लेके आऊँगी. एंड जब तक मतलब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं जिसमें मैंने सब काम करने हैं, सो और आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस किस्म का है यहाँ पे, क्या सिस्टम है और कैसा होता है यहाँ पे फ्राइडे सेल. बहुत हाइप होती है, बट ऑनेस्टली बताऊँ ये एक किस्म का स्कैम भी है बंदों को पागल बनाने के लिए. और इस टाइम पे यहाँ पे जो है हो रहे हैं 7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे, और मुझे सर पे बहुत ठंडी हवा लग रही है. यहाँ पे भी 7 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, जिसकी वजह से मैंने अपनी पार्का पहनी हुई है और फील लाइक इट्स 4. बट यहाँ पे कहते हैं ना कि आपके लिए मौसम ख़राब नहीं, आपका लिबास ख़राब होता है, तो कुछ ऐसा ही है. सो चलें चलते हैं, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ. मुझे टैक्सी लेनी है और मुझे वहाँ से जा के जो है ना फिल्म करना है, जितना मैं कोशिश करूँगी करने का. टाइम स्लॉट मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना है. सो चलें जी, चलते हैं शॉपिंग पे. कहते हैं ना कि आप कभी घर से निकलो और कुछ भूलो ना. मैं घर से निकल आई और मेरे पास मास्क नहीं है. आई नीड टू बाय अ मास्क. सुबह सुबह कोई भी नहीं खड़ा हुआ कि मैं एक मास्क खरीद सकूं. ओ मैन, मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ मरमरा पार्क से, बट आई डोंट नो आई नीड टू बाय अ मास्क. जितनी जल्दी हो और जितनी खुशी हो अकेले निकलने की, तो हमेशा ऐसा कुछ होता है. सो लेट्स सी, लेट मी फाइंड अ मास्क फ्रॉम एनीवन, क्योंकि सुबह है यहाँ पे लोग आराम से आते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं. मैं पुल पे आई थी इसके साथ वाले में कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, बट फेल. लेट्स सी, फाइनली आई गॉट अ मास्क. यहाँ साथ ही शॉप पे थी और इन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही वाला हाल है कि वो मुझे मॉल में घुसने नहीं देते. एंड मुझे इस टाइम बहुत दिल कर रहा है कि मैं एक अच्छी सी पहले कॉफ़ी लूँ और उसके बाद मैं अंदर जाऊँ, या फिर मैं पहले अंदर जाऊँ और अपने काम करूँ और वापसी पे कॉफ़ी लेती हुई घर जाऊँ. आई एम कन्फ्यूज. लेट्स सी, चलो यार अब चलते हैं. मुझे जाके अपना हेयर कोड चेक कराना है और अंदर जाके फिर देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना. ओके, आई एम इन एंड आई डोंट नो. ये लोग थोड़ा सा बोल रहे थे कि जी यहाँ पे वीडियो बनाने का थोड़ा इशू है, दैट्स व्हाई आई कीप माय गिम्बल इनसाइड बैग. और अभी हम चलते हैं. सबसे पहला मेरा स्टॉप है सफोरा का, जो कि मेरा मैंडेटरी है और मैं कुछ पिछले 4 महीनों से जो है ना वहाँ पे जाने का सोच रही थी. तो लेट्स सी क्या होता है. और यहाँ पे मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ साथ यार खाने को भी ले लेते हैं. देखती हूँ, पहले मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी, और यहाँ पे ये रखे हुए हैं कुकीज़ लिए और पानी लिया है. तो कॉफ़ी ले के बस जल्दी जल्दी से यहाँ से मैं कॉफ़ी पीती हूँ और मैं जाती हूँ. तो शेकर आप लोग शेकर. सो इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो शक्ल आ रहा.
एक चीज़ है कि जब आप ऐसे निकलते हो तो इट्स काइंड ऑफ, मेरे लिए बीइंग अ मदर इट्स अ काइंड ऑफ वेकेशन, कि बच्चा आपके साथ नहीं है और वो बाबा के पास सुकून से सो रहा है और आप सुकून से बैठ के जो है ना यहाँ पे एक अपनी कॉफ़ी पी रहे हो। लास्ट ईयर जब मैं इस्तांबुल में थी, आई विश कि मैं ब्लॉग करती होती उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं ऐसी छोटी छोटी कॉफ़ी डेट्स किया करती थी, क्योंकि अरीशा छोटी थी, अब वो समझदार हो गई है तो अब उसको छोड़ना थोड़ा सा ना हमारे लिए ट्रिकी होता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है। तो इस बार मुझे कोई ऐसा ब्रेक नहीं मिलता कि मैं थोड़ी देर के लिए भी निकलूँ, और ऑफकोर्स हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं काम में, उन पर भी नहीं छोड़ सकती। सो ये मेरे लिए आज जो है इट्स अ काइंड ऑफ ट्रीट टू माई सेल्फ, कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड दूसरा, यहाँ पे सेल की बात करूँगी तो आई एम नॉट हेयर टू बाय सम मैसिव शॉपिंग, मैं यहाँ पे कोई मैसिव शॉपिंग के लिए नहीं आई हुई। मुझे कुछ बेसिक चीज़ें थी लेनी थी और उस पर मेरा सामान तो सिर्फ दो चीज़ों का है, मैंने एक्चुअली अपने हस्बैंड की और अपने बेटी की चीज़ें लेनी है, जो जो मैं जाके भी लेती हूँ आप लोगों को शो करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जिस तरह से क्रेज़ी रश होता है, मैं अभी यहाँ पे, तो आपने आना तो सुबह सुबह है, यहाँ पे अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी यहाँ पे मॉल्स ओपन हो रहे हैं, शॉप्स ओपन हो रही हैं, तो बिल्कुल रश नहीं है और ये बेस्ट टाइम है आने का कि आप तसल्ली से अपनी चीज़ ख़रीद सकते हैं रश में। कोविड के टाइम पर मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कितने रश में है, बेस्ट वे टू गो दिस टाइम। एंड बाय द वे, ये जो है ना सेल्स, अगर आप इसमें कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई अच्छा कोट आपने लेना है, कोई जैकेट लेनी है, कोई अप्लायंस लेनी है, तो मैं कहती हूँ कि जो मेरा मानना है, हर एक की अपनी ओपिनियन होता है, बट मेरा ओपिनियन है कि इसमें आप उन चीज़ों को अवेल करें, ना कि आप सिर्फ कपड़े जूतों पे लगा दें, क्योंकि कपड़े जूते हम सारा साल लेते रहते हैं। एंड जब आप करें तो यहाँ पे इन्होंने अप टू 50% लगाया होता है, लेकिन उसमें ये हार्डली कोई 20-30% मुश्किल से लगाते हैं सेल। बहुत कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी भी होती है, बट उसमें फ़ायदा हो जिसमें जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसे अगर आपने कोई जैकेट लेनी है, कोट लेना है, तो फिर आप उसको लें, आप उसको लगाएं, उस पर पैसे लगाएं, आपको उसमें एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो। और इसके अलावा जैसे आपने कोई अप्लायंस लेनी है, तो उसमें जैसे मैंने अभी अपनी एक अप्लायंस ली है, तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 1500 लीरास का डिस्काउंट मिला है इस फ्राइडे सेल में। सो इंशाल्लाह इन कमिंग व्लॉग्स जब वो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं उसका भी ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी और मैं अपना पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट अभी तक मैंने ऑर्डर किया है। तो इस तरह के डिस्काउंट्स आप अगर अवेल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते, ये छोटी छोटी चीज़ों में यार पैसे ज़ाया मत करो, बहुत सोच समझ के और बी माइंडफुल अबाउट शॉपिंग। जो आजकल कोविड के टाइम पर जो हालात है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा आप लोग खरीदो। तो मैं अपनी करती हूँ जल्दी से कॉफ़ी इंजॉय और फिर चलते हैं शॉपिंग पे। हैप्पी अबाउट माई डिसीजन कि रश बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड ठीक है, मुझे कोई इतनी कोई मैसिव सेल भी नहीं लग रही कि बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। फ़िलहाल के लिए जो मैं देखी फिर रही हूँ, इट्स जस्ट नॉर्मल, नॉट एन एक्स्ट्रा इंडिविजुअल काइंड ऑफ डिस्काउंट आई कुडंट फाइंड हेयर। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी आगे जा कर देखते हैं। सफोरा पर जाती हूँ, बहुत सारी यहाँ पर मम्मीज़ हैं जिनको शौक है शॉपिंग का, सफोरा पर जा कर आपको बताती हूँ। पेट भर चुका है और आई एम रेडी टू गो। सो हेयर वी आर देयर, जो सेल उन्होंने शोर मचाया हुआ था, इट्स जस्ट मार्केटिंग टैक्ट। उन्होंने कहा कि जी आपको, अगर आपने एक ही चीज़ लेनी है तो आपको पूरी प्राइस पे मिलेगी, आप दो लेंगी तो दूसरी वाली आपको हाफ प्राइस पे मिलेगी। मतलब कि अगर मुझे एक ही सोचने में आ रहा है तो मैं दो क्यों लूँगी, बट हाँ कुछ क्रेज़ी लोग होते हैं जो लेते हैं, बट मैंने फिर ले ली जो मुझे चीज़ें लेनी थी, तीन चार उसकी जगह सिर्फ मैंने दो चीज़ें लीं, बट ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा उन्होंने मुझे वहाँ मना कर दिया था कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप करें वीडियो बनाएं,
सो दिस इज़ द रीज़न मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई एंड नाउ आई एम गोइंग टू विक्टोरिया सीक्रेट, वहाँ पे अच्छी डील्स आई हुई हैं और मुझे परफ्यूम लेना है एंड मैं ढूंढती फिर रही हूँ। लेट्स सी, मजा आती है कि सेल है। एडिडास पे बहुत अच्छी सेल